हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू, फिर से अंकित करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मैं हूं बच्चों आपका प्रज्वल सर, केमिस्ट्री मेंटर। आज बच्चों आपका स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान के बच्चों, जो आपका इंडेक्स का क्वेश्चन है, और इसके बाद बच्चों जो न्यूमेरिकल है, जो आपका आंकिक है, उसको बच्चों यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आओ हम आपका बिना समय गवाए आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखिए इंडेक्स में क्वेश्चन पूछ रखा है 1.10 को कह रहा है जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। बच्चों इसमें क्या रखा है जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। क्या बच्चों, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों जालक बिंदु क्या होता है उसको हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चों कोई भी क्रिस्टल होगा, जैसे हमने किसी क्रिस्टल का एक यूनिट सेल आपके सामने यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों आपका हम क्या दिखा रहे हैं, एक यूनिट सेल आपका दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपके अवयवी कण होते हैं। अगर आपका सरल होगा, SCC होगा, तो कोने पर आपके क्या पाए जाएंगे बच्चों, अवयवी कण पाए जाएंगे। तो अवयवी कण बच्चों जहाँ पर पाए जाते हैं ना, अवयवी कण जहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर मिलते हैं, तो ठीक है बच्चों, जालक बिंदु क्या होते हैं बच्चों, अवयवी कण जहाँ पर पाए जाते हैं, मिलते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या पाए, कोने पर क्या पाए जाते हैं आपके, अवयवी कण। अगर आपका SCC है और SCC में कोने पर कहाँ पाए जाते हैं, अवयवी कण, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जालक बिंदु कहते हैं। क्या कह रहे बच्चा, जालक बिंदु कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, जालक बिंदु। और जालक बिंदु पर क्या मौजूद होते हैं बच्चा, ये क्या आपके अवयवी कण। और अवयवी कण का क्या मतलब है बच्चों, तो वो आपको क्या हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है बच्चों, वो आपका अणु भी हो सकता है बच्चों, वो आपका आयन भी हो सकता है। हियर यू कैन से इट विल बी योर एटम, मॉलिक्यूल आर आयन। तो अवयवी कण बच्चों परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं। तो जालक बिंदु क्या है बच्चों, ने क्या सीखा कि वह बिंदु, वह स्थान या वह बिंदु जहां पर अवयवी कण मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। क्या इस बात को लिख लिया जाए, आइए हम इसे लिख लेते हैं। तो जालक बिंदु क्या है बच्चों, इसका आंसर बच्चों क्या होगा, वह बिंदु जहां पर अवयवी कण, वह बिंदु जहां पर अवयवी कण पाए जाते हैं या बच्चों कह सकते हैं मौजूद होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं या बच्चों मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं या बच्चों मौजूद होते हैं, उसे जालक बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, जालक बिंदु कहते हैं। तो ये बच्चों क्या आपका जालक बिंदु है, ये भी क्या आपका जालक बिंदु है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एकक कोष्ठिका को अभिलक्षित मतलब प्रदर्शित करने के लिए कितने पैरामीटर की जरूरत होती है बच्चों, 6 पैरामीटर। कितने पैरामीटर, 6 पैरामीटर की। हमने यह चीज़ आपके थ्योरी पोर्शन में कर रखा है। 6 पैरामीटर की जरूरत होती है, जिसमें से 3 एक्सिस होते हैं और 3 क्या होते हैं बच्चों, एंगल होते हैं। एंगल को हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा गामा हमने मान रखा था वहाँ पर, और एक्सिस क्या होते हैं बच्चों, XYZ होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, तो क्वेश्चन 1.11 कह रहा है एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका को प्रदर्शित करने के लिए कितने
एकक कोष्ठका प्रदर्शित करने के लिए कितने पैरामीटर, कितने पैरामीटर की ज़रूरत होती है, कितने पैरामीटर की ज़रूरत होती है? बच्चों बताइए कितने पैरामीटर की ज़रूरत होती है? आंसर बच्चों, आंसर क्या होगा बच्चों? आपको मैंने बता दिखा कितने पैरामीटर, 6 पैरामीटर। कौन कौन से बच्चों? एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका को 6 पैरामीटर, 6 पैरामीटर से प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है, जिसमें से 3 अक्ष, जिसमें से 3 अक्ष क्रमशः एक्स वाई तथा जेड व तीन कोण क्या क्या बच्चों? अल्फा, बीटा तथा गामा होते हैं, तथा क्या होता बच्चों? गामा होते हैं। क्या इतनी बातें बच्चों समझ में आई? अब बच्चों एक बात हम कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने क्या बनाया? एक कोष्ठिका बना रहे बच्चों, एक हम क्या बना रहे हैं आपका? एक कोष्ठिका बना रहे हैं। ये क्या बच्चों की एक कोष्ठिका है। हमने इसको मान लिया बच्चों, ये जो एक्सिस है इसको और बढ़ाया, इसको हमने क्या दिया बच्चा? आपका एक्स एक्सिस है। क्या बच्चा? एक्स एक्सिस है। और इसको हमने क्या मान लिया बच्चों? और बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। और इसको बच्चों हम क्या कर दिया आपसे? वाई एक्सिस है। और इसको बच्चों में क्या करें आपका, जो बाहर तरफ ये निकल रहा है, इसको हम क्या कर दिया बच्चों? आपको जेड एक्सिस है। क्या बच्चों? देखिए बच्चों, ये हमने क्या लिया? एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस और इसे जेड एक्सिस मान लिया। एकक कोष्ठिका को 6 पैरामीटर से प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें से 3 बच्चों क्या होते हैं? एक्सिस होते हैं, जिसमें 3 अक्ष क्रम से एक्स वाई जेड। अर्थात बच्चों आपको डाउट एक हो रहा होगा कि हमने जो 3 अक्ष लिखा एक्स वाई जेड, तो बच्चों यहाँ पर एक बात है और याद रखिए, आप अच्छी जगह क्या लिख सकते हैं? 3 भुजा लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है? 3 भुजा क्रम से ए बी तथा सी। क्या बच्चों? एकक कोष्ठिका को 6 पैरामीटर से प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें से 3 अक्ष, मतलब बच्चों 3 भुजा क्रमशः ए बी तथा सी व 3 कोण अल्फा, बीटा तथा गामा होते हैं। अब बच्चों आपका ये क्या है? इस भुजा की हमने मान लिया, इस भुजा को हम क्या कह दे रहे हैं आपका? ए कह दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चा? ए कह दे रहे हैं। और इसको हम क्या कह दे रहे हैं आपका? बी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चा? बी कह रहे हैं। और इसको हम क्या कह रहे हैं आपका? सी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपका? सी कह रहे हैं। इतनी आसान भाई, इसको हमने ए माना, इसको बी मान लिया, उसको क्या मान लिया? सी मान लिया। तो ए और बी के बीच में एक एंगल बन रहा है बच्चा। क्या बन रहा है? ए और बी के बीच में एक एंगल। यहाँ आप समझिए, एक भुजा को हमने ए माना, एक भुजा को बी माना और एक भुजा को हमने सी माना। और एंगल बच्चों 3 एंगल आपके पास, अल्फा है और बीटा है बच्चा, और क्या आपके पास? गामा है। अल्फा है, बीटा और क्या है बच्चों? गामा है। तो ए और बी के बीच में बच्चों कौन सा एंगल बच रहा है? अल्फा तो होगा नहीं। देखिए बच्चों, ए रिलेट करता है अल्फा से, बी रिलेट करता है बीटा से, तो ए और बी तो होगा नहीं, तो कौन सा एंगल होगा बच्चों? गामा होगा। कौन सा एंगल होगा आपका? गामा होगा। और देखिए बी और सी के बीच में कौन सा एंगल आपको मिलेगा? अगर आपसे कोई पूछे बी और सी के बीच कौन सा एंगल बच रहा है बच्चों? अल्फा। क्या होगा बच्चों? अल्फा होगा। और ए और सी के बीच में, और ए और सी के बीच में कौन सा एंगल बच्चों बच रहा है आपको? ए और सी के बीच कौन सा लेटर बच रहा है? बी बच रहा है। मतलब बच्चों क्या होगा? बीटा होगा। क्या होगा? बीटा होगा। तो देखिए ए और बी के बीच में कौन सा एंगल होगा बच्चों? ए और बी के बीच में कौन बच्चों? गामा होगा। क्या होगा आपका? ये गामा होगा। अगर बच्चों आपसे कोई पूछे कि बी और सी के बीच में क्या होगा बच्चों? अल्फा होगा। ये क्या होगा आपका? अल्फा होगा। और सी और ए के बीच में क्या होगा आपका बताइए? सी और ए के बीच में आपको क्या होगा?
सी और ए के बीच बच्चों क्या होगा, बीटा होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब किसी एकक कोष्ठिका को प्रदर्शित करने के लिए आपको तीन एक्सिस अर्थात तीन भुजाएं चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? तीन भुजाएं चाहिए, जिसे क्रमशः ए बी और सी हम कह देते हैं यहाँ पर। और तीन आपको क्या चाहिए? एंगल चाहिए, जिसको हम अल्फा बीटा और गामा कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई? अगर बच्चों समझ में, हम आपका चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और बच्चा आपका 1.12 पूछ रहा है आपका बच्चों को, डिफरेंस पूछा है। जैसे आपका एक डिफरेंस कह रहा है षटकोणी और आपका एक नताज एकक कोष्ठिका में क्या अंतर होगा बच्चों। इसको हमने थ्योरी पोर्शन में कर रखा है, तो बच्चों वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा। अगर बच्चों वहाँ पर कोई डाउट्स हो या आपको न मिले तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला बच्चों कह रहा है आपका फलक केंद्रित और अंतर केंद्रित, फलक केंद्रित FCC और अंतर केंद्रित BCC में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो बच्चों हम कैसे देख सकते हैं इसको, ये भी हमने आपके थ्योरी पोर्शन में कर रखा है, तो वहाँ से बच्चों कर लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, अगला कह रहा है कि सहभागिता। क्या कह रहा है बच्चों? सहभागिता मतलब आपकी कितना शेयरिंग होगा। अगर आपका बच्चों परमाणु कोने पर होता है, कहाँ पर बच्चों? जैसे हमने यहाँ पर जैसे बच्चों हम शेयरिंग की बात करें, सहभागिता की बात करें, तो यहाँ पर बच्चों आपका क्या बना रहे हैं? एक कोष्ठिका बना रहे हैं बच्चों। क्या बना रहे हैं? एक कोष्ठिका। अगर बच्चों यही कोने पर, अगर कोई परमाणु कोने पर होगा, उसकी सहभागिता कितनी होती है? उन्हें पढ़ा रखा है आपको, कितनी होती है? 1/8 होती है। और ये अगर फलक पर होता है बच्चों, इसकी सहभागिता कितनी होती है? 1/2 होती है। अगर पूरा पूरा बच्चों अंदर होता है, इसकी सहभागिता कितनी होती है? 1 होती है। तो ये बात बच्चों आप याद रखिएगा, ठीक है? ये बातें बच्चों आप याद रखिएगा। अगर आपका कोने पर परमाणु होगा तो सहभागिता कितनी होगी? अगर कहाँ पर बच्चों? कोने पर। कहाँ पर हो आपका? कोने पर हो, तो सहभागिता कितनी होगी बच्चा? 1/8 होगी। अगर आपका फलक पर होगा, फेस पर होगा, सहभागिता कितनी होगी? 1/2 होगी। कितना होगा बच्चा? 1/2 होगी। अब यही आपका सहभागिता अगर पूरा का पूरा एक कितना हो, आपका यूनिट सेल के अंदर हो, तो सहभागिता क्या हो बच्चों? BCC मतलब अंतः केंद्र, मतलब बच्चों क्या? अंतः केंद्र में हो, अंतः केंद्र में हो, तो आपकी सहभागिता पूरी की पूरी मिलेगी। तो ये बच्चों आपका इंडेक्स का आपका ये क्वेश्चन हो चुका। हम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बच्चों का कह रहा है कि एक अणु की वर्ग द्विविमीय निविड संकुलन है। क्या बच्चों? एक अणु है, एक बच्चों क्या है? अणु है। वह वर्ग द्विविमीय निविड संकुलन में क्या है? संकुलित है। क्या बच्चों? वर्ग द्विविमीय निविड संकुलन में संकुलित है। तो पूछा है उसकी उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी। तो ठीक है बच्चों, हम आपका इंडेक्स सेकंड लेते हैं। इंडेक्स सेकंड क्या कह रहा है इसको ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि एक अणु है, एक बच्चों क्या है? अणु है। वो वर्ग द्विविमीय निविड संकुलन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या, समन्वयन संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। इसे बच्चों कह रहा है एक वर्ग, एक अणु की वर्ग निविड संकुलन संकुलित वर्ग निविड संकुलित परत में द्विविमीय बंद गए। कब बंद करी ये बता ली बच्चों। क्या कह रहा है? एक अणु की वर्ग निविड संकुलित परत में द्वितीय द्विविमीय, क्या बच्चों? द्विविमीय उपसहसंयोजन संख्या, द्विविमीय उपसहसंयोजन संख्या क्या है? क्या है बच्चों? तो इसे समझे बच्चों, इसको आप समझिए कि द्विविमीय, देखिए
संकुलन, संकुलन बच्चों तीन प्रकार के होता है, एक एकविमी होता है, एक द्विविमी और एक त्रिविमी होता है। एकविमी का क्या मतलब है, आपके अवयवी कड़ी एक विमा व्यवस्थित उसे हम क्या कहेंगे एकविमीय, अगर आपके दो विमा व्यवस्थित उसे क्या कहेंगे द्विविमीय, अगर तीन विमा व्यवस्थित उसे क्या कहेंगे त्रिविमीय कहेंगे। जैसे हमने बात किया द्विविमी की बात करें बच्चों, क्या कह रहे हैं हम द्विविमीय, क्या बच्चों द्विविमीय। जैसे हमने आपका बच्चों आपका एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये क्या बच्चों वाई एक्सिस है आपका, ये क्या आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका क्या बच्चों जेड एक्सिस है। इतनी ज़्यादा समझ में आई, और ये बच्चों क्या मूल बिंदु है। अच्छा बच्चों हमने क्या द्विविमीय, यहाँ पर हमने परमाणु को रखा बच्चों, क्या रखा यहाँ पर हमने परमाणुओं को रखा, और इसके बाद भी इसके ऊपर भी हमने परमाणुओं को रख दिया। अभी तक तो व्यवस्था हमारी एक विमा में थी, अब व्यवस्था कितनी होगी द्विविमा होगी बच्चों, कितनी विमा हो गई द्विविमा हो गई। इसके ऊपर बच्चों हमने एक परत को और रखा, इसके ऊपर बच्चों हमने क्या रखा एक परत को और रखा, तो ये भी आपकी कितनी विमा में बच्चों द्विविमा में ही है। अब कह रहा है एक अणु की वर्ग निवीत संकुलित परत में उपसह संयोजन संख्या, बच्चों इसको गौर कीजिए, उपसह संयोजन संख्या मतलब क्या होती है आपकी, कोई भी परमाणु, परमाणु कितने निकटवर्ती परमाणु के संकर में है, परमाणु कितने निकटवर्ती, परमाणु कितने निकटवर्ती परमाणु के संपर्क में है, क्या जो संपर्क में है, कितने निकटवर्ती परमाणु को छू रहा है, वही उसकी उपसंयोजन उपसंयोजन संख्या होगी। तो आइए सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम बच्चों इसको क्लिक कर लिया, इसको ले लिया बच्चों, तो देखिए ये कितने को टच कर रहा है, एक बच्चों इसको टच कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, और एक बच्चों देखिए एक इसको टच कर रहा है, और बच्चों एक इसको टच कर रहा है, और एक इसको टच कर रहा है। तो बच्चों ये देखिए बना क्या आपका, अब गौर से देखिएगा तो ये क्या बन रहा बच्चों, ये क्या बन रहा बच्चों, ये आपका क्या बना वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा बच्चा वर्ग बन रहा है। इसलिए इस संकुलन को हम क्या कहेंगे वर्ग द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन कहेंगे, क्या कहेंगे वर्ग द्विविमी निविड़ संकुलन कहेंगे। अच्छा ये बताइए बच्चों ये परमाणु कितने निकटवर्ती परमाणु को संपर्क है, खुद देखिए चार, एक नहीं एक दो तीन चार, तो इसका उत्तर क्या निकल गया बच्चों चार निकल गया है, क्या इतनी बातें समझ में आई, चार क्या होगा बच्चों चार होगा। तो लिख लें बच्चों आंसर, वर्ग निविड़ संकुलन में क्या बच्चों वर्ग द्विय विमीय निविड़ संकुलन में उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या कितनी होती है बच्चों चार होती है, क्या बच्चों चार होती है। और यही आपका एक बच्चों हम एक तरीके से और व्यवस्थित कर सकते थे, वो आपका षटकोणी होता, क्या होता है बच्चों षटकोणी, इसको भी देख लीजिए आप सर। जैसे हमने एक परत को लगाया बच्चों, एक परत को लगाया तो ये बीच में गैपिंग दिख रही है ना बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं गर्त कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों गर्त कहते हैं, और गर्त को आप क्या कह सकते हैं अवनमन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चा अवनमन कह सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर परमाणु को सेट किया, ये देखिए बच्चों अगर हमने गर्त में सेट करना शुरू किया परमाणु को, तो आपकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर खुद देखिए जैसे हमने इसको क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया, इसको बच्चों हमने क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया, तो कितने के संपर्क में बच्चों खुद देखिए एक दो, एक दो देखिए बच्चों काउंट कर लीजिए, खुद काउंट कर लीजिए बच्चों एक दो तीन चार पाँच और छः, कितने के संपर्क भैया छः के संपर्क में है ना, तो छः के संपर्क में तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी बच्चों छः होगी। और ये बन क्या आ रहा बच्चों क्या षटकोणी बन रहा है, क्या बना बच्चों षटकोणी, क्या बना बच्चों षटकोणी बन रहा है। अब षटकोणी ये कौन सा संरचना बच्चों षटकोणी द्विविमीय निविड़ संकुलन है, और ये क्या आपका वर्ग द्विविमीय निविड़ संकुलन है, इसमें उपसंयोजन संख्या कितनी होती है बच्चा छः होती है। तो ये दोनों बातें बच्चों आप याद रखिएगा, अगर आपको कहीं पर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर बच्चों यह पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।